ओके मैम। तो हमें जब भी हमें पास वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको आप प्लस कर देंगे, जैसे तेरा दो पास तीन तो उसको प्लस करके आ जाएगा आपका फाइव। तो आप साथ साथ में जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे आप जिसका नाम है ए बी, लिखेंगे जल्दी से साथ साथ में करेंगे। बी दो मेथड से इसको आप बता सकते हैं इजीली। उसके बाद ए से नीचे की तरफ एक लाइन और लेंगे और ये लाइन होगी आपकी ब्रोकेड। ऐसे ठीक है, नीचे की तरफ एक लाइन लो डॉट लाइन ले। और अब टोटल है फाइव, तो आप प्रकार को ऐसे खोलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम, और नीचे की तरफ आपने फाइव पार्ट करते हैं इक्वल बराबर बराबर वन। और ये नहीं कि एक इतना आगे वाला छोटा कर दिया फिर बड़ा कर दिया, ऐसे नहीं, सभी इक्वल बराबर रहेंगे। यहां से ए से जितना वन लिया है उतना ही आगे वाले इस पे रखेंगे और काटते चलेंगे। टू थ्री फोर एंड फाइव, वो नीचे आप उसमें लिख देंगे वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे काउंटिंग लिखेंगे नीचे को। जल्दी करेंगे, साथ में करेंगे तो जल्दी करेंगे आप, ये नहीं कि ब्रह्मजी से लगे। मैं नीचे की तरफ फाइव पार्ट करने हैं आपने, फाइव। डन। ओके, अब आपकी डिवाइडिंग बॉक्स में है दो सब स्क्वायर होते हैं ऐसे ऐसे वाले होते हैं ना, दो वो आप लेंगे और कोई भी एक यहाँ पे ऐसे रख लो, बी को फाइव के साथ मिला देना आप। लास्ट तो ऐसे मिला सकते हैं, स्केल से मिला सकते हैं इसको, फाइव को बी के साथ मैच कर देंगे, इधर मिला दो डॉट लाएंगे इसको ऐसे, आप स्केल से ही बना सकते हैं। आगे आप क्या करना है, सबसे पहले क्या था टू, तो एक लाइन कहाँ पे आएगी, टू के ऊपर प्लस थ्री, आगे था मैं प्लस कर दिया इसको प्लस, तो फिर टू के आगे आपने थ्री और कौन करने हैं, वन टू थ्री, वो थ्री कहाँ पे, एक लाइन कहाँ पे आएगी फाइव के ऊपर, जो सबसे लास्ट लाइन है उसको आप पहले ही बी के साथ मिला सकते हैं। हाँ, अब बी और फाइव वाली लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे जो लेंगे आप टू के ऊपर। तो कैसे लेनी है, पहले तो आप ऐसे बना लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे, पर हाथ मिल जाता है तो गलत हो जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे ऐसे आपने ये ले लिया एक सर्किल, ऐसे रखो बी को फाइव के साथ मैच कर लिया ऐसे, वो दूसरा सर्किल जो है इसके पीछे ऐसे लगा देंगे ऐसे, एक को पहले बी और फाइव को मिला लेंगे ठीक है, ऐसे मिला लो बी और फाइव को, वो दूसरा सर्किल इसके पीछे, फिर इसको नीचे वाले को दबाएंगे और ऊपर वाले को मूव करेंगे, जहां पर टू आएगा ये आगे टू, उसको यहां पर आप ऐसे मिला देंगे और ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे आप टू, यहां पे लिखेंगे थ्री और ऊपर लिख देंगे डिफरेंस सी। ये एक मेथड तो इसका ये था कि आप इसको इसके साथ बना सकते हैं। दूसरा है, दूसरा अगर आपको इससे आपको इसको नहीं बना सकते तो दूसरा और है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरा मैथड तो ऐसे रहेगा, आप इसको बनाओ, नहीं आता दूसरी तरीके से बता देता हूं।
तो सिंपल है, पहले की तरह पहले ए बी लाइन लेंगे, ए बी नहीं लेंगे सॉरी, सिर्फ एक लाइन लेंगे और सिर्फ ए लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे ए। दूसरे तरीके से देख लो, और इस साइड आप आगे बढ़ो दो और पांच तीन मतलब पांच, तो अपनी मर्जी से फाइव पार्ट वन दिखने चाहिए, टू थ्री फोर फाइव। और याद रखेंगे जहां पर फाइव आ जाएगा, फाइव के आगे कोई लाइन नहीं होगी, इसको रेस करना पड़ेगा, जहां पे फाइव आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के आगे कोई लाइन नहीं, सिर्फ बी लिखेंगे आप, इधर पार्ट कर लेंगे आप इसके भी, बराबर बराबर बिल्कुल इक्वल पार्ट आएंगे यहां पर भी, ठीक है। और फाइव पार्ट कर रहे हैं, ए से लेके बी तक फाइव पार्ट दिखते हैं, और वैसे जैसे पहले किया था नीचे की तरफ एक लाइन लेंगे डॉटेड, और नीचे को भी आपने फाइव पार्ट करने हैं, जितना पहले लिया उतना लेने की जरूरत नहीं, उससे कम या ज्यादा ले सकते हैं, मगर नीचे को इक्वल बराबर होने चाहिए, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, कहा है यहां पर लिखा वन टू थ्री फोर फाइव। अब तो पता ही आपको पहली लाइन कहां पर मिलेगी, टू के ऊपर, तो नीचे वाले टू को ऊपर टू के साथ मिला देंगे, प्लस थ्री वन टू थ्री मतलब फाइव को लास्ट बी आगे वाले वन टू थ्री बी के साथ इसको मिला दो, तो भी आपका यह आंसर आ जाएगा। हाँ एक बात को ध्यान में रखना, बड़ा करके बना रहा हूं, जैसे ये लाइन है ये नीचे वाली लाइन है, कुछ बच्चे ऐसे काटते हैं तो काटा ठीक होता है, लाइन कहां से यहां से ऊपर जाने चाहिए, कुछ बच्चे यहां से मिलाते हैं तो वो गलत होगा, जहां पे लाइन को काटा हुआ वहां पे आपका कटना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात का, बुक में बना हुआ वहां से देख सकते हैं। अब देखो सिंपल सा है, बी को बी के फाइव को बी के साथ डॉटेड ऐसे, अब इसको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, वन टू टू को टू के साथ मिला दो, ये यहां पे सी लिखेंगे और यहां पे टू यहां पे थ्री, तो भी आपका यह आंसर आ जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट आंसर बताओ, जल्दी से कर लिया सभी ने ये? यस सर, यस सर। ओके नेक्स्ट टाइम जो बताओ कोई, जो आपको सिलेबस में दिया हो आपको नहीं आ रहा है जल्दी से, 23 67.5। चलिए तो सभी बच्चों को आना चाहिए, सबसे पहले आप उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाओ, बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक की थी उसमें उनको 90 डिग्री का एंगल नहीं आ रहा बनाने, एक बार फिर से ध्यान से देखो, तो करना क्या, सबसे पहले एक लाइन उन्होंने बोला है कि ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकाश द्वारा 67.5, तो आप सबसे पहले एक लाइन लेंगे ऐसे ए बी, ठीक है, बिंदु ए के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना, पहले कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो यहां से ऐसे ये एक 60 दूसरा 60 और यहां से यहां मिला दोगे तो 120 का बन जाएगा, बट हमें बनाना 90, तो आगे वाले 60 का आप हाफ कर देंगे ऐसे और ऐसे, फर्स्ट लाइन जो आएगी आपकी वो डॉटेड आएगी, 90 डिग्री का एंगल ऐसे बन जाएगा आपका, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल ये। अब बनाना आपको 67.5 डिग्री का, तो आपको 67-90 डिग्री से कम आते हैं, ठीक है ना, 60-90 डिग्री के आगे तो नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे सभी,
वो इस साइड से बना रहे हैं हम, तो इसके 90 डिग्री से पीछे आएगा, तो पीछे तो ऐसे बना नहीं सकते, तो आपको 90 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 90 डिग्री का हाफ, तो यहां पे रखकर नीचे नाम दिया होगा इन्होंने पी, पी से 90 डिग्री तक खोलेंगे, तो कार को पी से 90 जहां जिसका हाफ करना, तो वहां से वहां तक खोलते हैं, और आगे की तरफ डॉटेड